तो सुन विक्रम, मेरा सवाल। किसी नगर में कोई दूध के बहुत बड़े व्यापारी घनश्याम जी रहा करते थे। नगर के सभी लोग उन्हीं के यहाँ से दूध खरीदा करते थे। नगर के सारे लोग उन्हें किसी न किसी खुशी के समारोह में आमंत्रित किया करते थे, लेकिन वे किसी के यहाँ नहीं जाते थे। सभी की तरह वासु लोहार वाले ने भी उन्हें समारोह में आमंत्रित किया, लेकिन तब भी घनश्याम जी नहीं आए। यह जानकर नगर के लोगों को कोई अचंभा नहीं हुआ। एक दिन वासु लोहार किसी के घर काम करते करते छत से गिर जाता है और उसे गंभीर चोटें लग जाती हैं। यह खबर जानकर वह घनश्याम जी उसका हालचाल पूछने उसके घर पहुँच जाते हैं। तो बता विक्रम, जो घनश्याम जी आमंत्रण आने पर कहीं नहीं जाते थे, वे उस लोहार के घर बिना आमंत्रण के कैसे पहुंच गए? तो सुन बेताल, इंसान के यहाँ खुशी के समारोह में कोई आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह खुश है। लेकिन जब इंसान कोई दुख या तकलीफ में होता है, तब उस इंसान से कोई उसका हालचाल ना पूछे तो उस इंसान को और ज्यादा दुख होता है। कहा भी जाता है, इंसान भले ही खुशी के समारोह में शामिल ना हो, लेकिन उसके दुख में जरूर शामिल हो जाना चाहिए। इसलिए घनश्याम जी उस लोहार से मिलने गए। सही जवाब विक्रम।